सो गाइज आई एम हियर इन ओरा सलोन एंड अब मैं मेनिक्योर करवाने जा रही हूँ. सो इसमें मैं आपको मेनिक्योर का पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड मेरा जो मेनिक्योर कर रही हैं वो आपको बताएंगी कि मेनिक्योर का क्या क्या प्रोसीजर है. Guys, honestly speaking, मेरा first time manicure है, seriously. और ये सलोन में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ का काम. और मैं लास्ट टाइम पेडिक्योर यहीं से करवाया था एंड इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस. और अभी ये नेल एक्सटेंशन भी यहीं से करवाए थे. मैनीक्योर देन आई गेस मैं फेशियल वगैरह करवाऊँगी. कहाँ तक होता है मैनीक्योर? वॉटर किस चीज का है इसमें? ये लगे ये फ्लावर्स वगैरह पेटल्स वगैरह ये सर्ड्स है. अच्छा सर्ड्स वगैरह है. हाँ जी जो आपके ये डेड स्किन है ना. हाँ हाँ वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे. अच्छा अच्छा स्क्रबिंग. लाइट लाइट करवाती हूँ.
हमारा उसमें हम बनाएंगे आफ्टर स्क्रब। आप एक बार टूल दिखा दीजिए जिस टूल से आप करेंगे। ये टूल है, इस तरह का आपको टूल चाहिए होगा। इससे इसको क्लीन कर रहे हैं। सो अभी सारे लेयर्स क्लीन करेंगे। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैम मसाज क्रीम। तो क्यूटिकल साफ होने के बाद आपको मसाज क्रीम लगानी है। जैसे आप मसाज करते हैं कितनी देर तक? 6 मिनट्स, ऑलमोस्ट 6 मिनट्स का मसाज होगा इसमें। कौन सा क्रीम आपने लगाया है? लोटस का ही है। इसमें सारे प्रोडक्ट लोटस के यूज होगा क्योंकि मैंने लोटस वाला पैकेज लिया है मैनीक्योर के लिए। सो ये फॉर्म भी आराम आराम से मसाज करेंगे। इसमें वाटर यूज होगा? इसमें वाटर यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जस्ट इसमें अच्छे से मसाज कर देंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम आराम से मसाज करनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे आराम आराम से कर रही है। थोड़ी से टाइट हाथ से ना, थोड़ी से टाइट हाथ से मसाज करना है। उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद अच्छे से मसाज किया गया है एंड इट्स डन।